ऑस्ट्रेलिया में भाई क्लीनर की शॉर्टेज है, ब्लू कॉलर जॉब वालों की शॉर्टेज है, कितना सच है। और साल की जो सैलरी बताई जा रही है वो 96 लाख, मीन्स अप टू 1 करोड़ रुपीज भी आप कमा सकते हो, यानी मंथ में आपके 8.5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए कमा सकते हो। और क्लीनर की जॉब्स के लिए आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट और एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अब ये क्लीनिंग की जॉब आपको कैसे मिलेगी और आप 8 लाख रुपए कमा सकते हो, कितनी सच्चाई है इस बात में, तो मैं बताता हूँ, ये न्यूज बिल्कुल सच है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ब्लू कॉलर जॉब करोगे और 8 लाख रुपए आप कमा सकते हो, आपकी मेहनत के ऊपर है। कम से कम आप 4 लाख रुपए महीने आराम से कमा सकते हो। कैसे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं आपको मैं आज पूरा बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को भाई स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन सी एजेंसीज हैं और कैसे अप्लाई करना है आपको। अगर आपने ट्राई करा एक बार नहीं, आपने 10 बार ट्राई करना है, 10 अदर 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 कंपनीज में ट्राई करना है, ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं। उसमें कहना एजेंसीज के, तो दो तरह से ऑस्ट्रेलिया जाया जा सकता है, एक तो एजेंसीज के थ्रू और एक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके हैं। लेकिन आज मैं पूरा बताने वाला हूं कहां तक सच है। वीडियो हो सकते हैं 15 मिनट की हो जाए, 16 मिनट की, लेकिन पूरी देखना। अगर आपका मन है ऑस्ट्रेलिया जाने का तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी को यह पता है कि भी क्लीनिंग की जॉब किस, लेकिन यह नहीं पता कि कहां से अप्लाई करना है। आज मैं बताने, क्या आपको वीजा मिलेगा, क्या आपको स्पॉन्सरशिप वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे आप वहां जा सकते हो, तो पूरा बताने वाला हूं, पूरी देखना इस वीडियो को। मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मन कर रहा है मैं भी ऑस्ट्रेलिया उड़ के चले जाऊं, लेकिन अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे कुछ रीजन है पर्सनली, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो उन लोगों की, भाई आप पैसा रोकड़ा कमाना चाहते हो और आप ब्लू कॉलर जॉब में, देखो ऐसा होता है यार, व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब, विदेशों में जॉब्स की वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है अपने एशियन कंट्रीज में कि भाई वो झाड़ू मार रहा है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन विदेश में भाई हर किसी की। आज जो बताने वाला हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्लीनर की सैलरी है, एक आईटी गाय के बराबर सैलरी मिल रही है, क्योंकि वहां पर लेबर ऑफ शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। उसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि भाई पहले कोविड आया था तो उन्होंने बॉर्डर सील करे थे, तो सडनली काफी इमिग्रेशन रुक गई थी, तो वहां पर जो अब बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, कंपनीज हैं, ये सारी चीजें जो है वहां पर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहां पर क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, रोबोट आके क्लीन नहीं कर सकते, तो आपको उधर काम करने का बहुत मौका मिलेगा। बात करते हैं मुद्दे पर कि भाई कैसे जाया जा सकता है, तो सबसे पहले बताता हूं आपको, स्क्रीनशॉट पर भी आता रहा, क्लीनर्स आर नाउ बीइंग पेड 125,000 अ ईयर डिस्पाइट, तो आप देखो 1,25,000 डॉलर्स, मीन्स 8-10 हजार डॉलर्स पर मंथ के मिल रहे हैं। तो आप कैसे जाया जा सकता है, देखो एक से दो तरीके होते हैं जाने के। तो भाई ये सिंगापुर में अगर आप वीडियो देख रहे हो, शेयर कर देना सिंगापुर वाले स्टूडेंट्स को, तो मैं ये कहूंगा कि भाई फटाफट से ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करो पाथवे प्रोग्राम लेके। अब कैसे, अगर आप सिंगापुर में भी पढ़ाई कर रहे हो तो भाई अपनी एक कोई एजेंसीज जो यहाँ की है वहां पर कॉन्टेक्ट करो, आप यहाँ से डिप्लोमा करे तो एडवांस डिप्लोमा के लिए एडवांस करो, वहां जाओ और आप वहां काम कर सकते हो। अब देखो दो तरह से हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, पहला है स्पॉन्सर्स वीजा और दूसरा है स्टूडेंट वीजा। अब ये जो 8 लाख रुपए पूरा बताने वाला हूं कि भाई क्या बात है। अब देखो विदेशों में जितने भी लोग जाते हैं ना भाई, आईटी के पर्सन भी जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आईटी पर्सन बहुत कम है, लेकिन जो लेबर वर्क है अपने इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से बहुत जाती है, और ऐसा नहीं है कि वो कमाती नहीं है, बहुत अच्छा पैसा कमाती है विदेशों में रहकर। मैंने ऐसे काफी आदमी देखे हैं कि भाई पढ़े लिखे हैं लेकिन वो जॉब ब्लू कॉलर करते हैं और उनका बहुत अच्छा अर्निंग सेविंग भी होता है। तो देखो ऐसा है, अब बात करते हैं जॉब स्पॉन्सर्स की। तो सबसे पहले अगर आप कोई लोकल एजेंट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, वीजा स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिलती है, कहने का मतलब अगर कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो क्लीनिंग कंपनी है वो आपको वीजा भेजती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन लगा के वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा है कि यार स्पॉन्सर कैसे मिलेगा, कैसे इतनी झंझट कैसे होगी, तो स्क्रीनशॉट पर जितनी चीजें आ रही है उसको ढंग से देख लेना। अब देखो बात करते हैं,
कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो देखो सबसे पहले है वेबसाइट्स बताऊंगा कि स्पॉन्सर्स वीजा आपको मिल सकता है, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा कि स्टूडेंट वीजा पर हम कैसे जा सकते हैं। तो देखो यहां पर स्क्रीनशॉट पर आ रहा है au.indeed.com, तो यहां पर वीजा स्पॉन्सर्स क्लीनर यहां पर आप अप्लाई करो। दूसरा है aims.sg, अब इसी पेज पे आपको बता रहा हूँ aims.sg ऑस्ट्रेलिया, अगर आप माइग्रेट होना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया को, सिंगापुर वालों के लिए आप इनसे कॉन्टेक्ट करो, कॉल नंबर भी स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, आप कॉल करके बात करो। अभी देखो दो जॉब की बात करूं, हाउसकीपिंग जॉब ऑस्ट्रेलिया, फ्री वीजा, फ्री टिकट अप्लाई, लोकल जॉब्स है न्यू फार्म क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है, फ्रंट ऑफिस हाउस स्पॉन्सर अपॉर्चुनिटीज है डनसनबर्ग WA ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब ये और ये जॉब जो है 12 घंटे पहले ही अपलोड हुई है। अब बात करते हैं कि यहाँ की जो वेबसाइट पॉपुलर वेबसाइट्स है, जो पॉपुलर पोर्टल्स है, तो सबसे पहले जॉब का जो प्रॉपर पोर्टल्स है वो है www.seek.gov.au। स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, पहले पर है आप यहां पर 2169 वीजा स्पॉन्सरशिप आपको यहां मिलेगी, ये सब वर्क परमिट वाले बता रहा हूं, बाकी स्टूडेंट वीजा का भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या सच है। तो ये बिल्कुल जॉब परमानेंट है भाई, 5 साल तक आप काम कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो कि अगर आपने 5 साल काम कर लिया पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा आप कमा लोगे। एक साल में अगर 50 लाख भी कमाते हो, 5 साल में 2.5 करोड़ के ऊपर, अगर आप अच्छा खासा अपने घर में बैठ के फ्यूचर की जिंदगी बिता सकते हो। अब दूसरा बात करते हैं visahelp.australia.com, ऐसी यहां पर भी चाहिए। तो देखो और भी वेबसाइट्स हैं, तो जॉब limoon.sg.com, तो क्लीनिंग जॉब यहाँ पर भी, सैलरी ये आयरलैंड के भी है लेकिन आपको यहाँ पर भी जॉब मिल जाएगी। AU की है मैं ऑस्ट्रेलिया की jobber.org, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगी। momsal.com हाउसकीपिंग जॉब्स अर्जेंट जिसे बोलते हैं वो जॉब्स अप है, सिंपल हायर्ड, सो 11 बेस्ट वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। और जॉब की बात करूं हाउसकीपिंग क्लीनिंग, आप यहां पर देखो आपको 32 घंटे $32 पर आवर के हिसाब से मिल रहे हैं, यानी अगर आप दिन के, अगर आपको $25 के हिसाब से भी आप नॉर्मल क्लीनिंग की बात करूं, अगर आप दिन के 10 घंटे करते हैं $250, अगर आपके महीने के करते हैं 7.5-8, 4-5 लाख रुपए, तो आपके कहीं गए नहीं। नॉर्मल क्लीनिंग की बात करूं, जब आप स्पेसिफिक क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, बिल्डिंग्स की जो ग्लासेस होते हैं वहां पर, जिसपे हाई रिस्क ज्यादा होता है, वहां पर सैलरी आपकी बहुत ज्यादा हो सकती है। अब क्लीनिंग में कैजुअल कंपास कैजुअल क्लीनिंग है, $27 पर आवर मिल रहा है। न्यू ऑफिस क्लीनर चाहिए नॉन स्टार्ट फील्ड में, कंपास ग्रुप है सिडनी सेंट्रल बिजनेस में, यहां पर भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको अप्लाई भी करना है, जो मैंने बताया वहां से अप्लाई कर सकते हैं, जो जो वेबसाइट बताए क्विक अप्लाई करो। और दूसरा एक और है क्लीन ऑस्ट्रेलिया सर्विसेज, इस ऐप पर भी जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन भरो, रिज्यूम अपलोड करो, आपको कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं एक और चीज की, sph.org.au, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में क्लीनर कीजिए। तो भाई ये सब जो jora.com है au की, ये आ रही हैं, इन जितनी भी मैंने वेबसाइट्स बताए आप यहाँ पर क्लिक करो, अपना रिज्यूम अपलोड करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जब तक ट्राई नहीं करोगे आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने नहीं आएगी। मुझे पता है कि लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना इतना कठिन है, लेकिन जब आपके मन में है आप जरूर जा सकते हैं। अब ठीक है भाई, तो ये बहुत जरूरी है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी, अब ये seek.com, LinkedIn आपको बता दिया अभी, तो ये जो चीजें हैं, जो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, मेरी स्क्रीनशॉट पर आई हैं पहले, उसको अगर नहीं आ रहा दोबारा आपको वीडियो देखो, पॉज करके वहां पर क्लिक करो, गूगल पर डालो इसकी वेबसाइट का नाम और अप्लाई करो। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अब आप कैसे जा सकते हैं। दूसरा, एक तो वीजा स्पॉन्सरशिप बता दिया, आप इन वेबसाइट्स के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई चलो वीजा स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, हम कैसे, तो किसी भी एजेंसीज के द्वारा या खुद ऑनलाइन आप खुद अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट पास। अब पूछोगे कि यार सर ये क्या बोल दिया आपने कि स्टूडेंट पास पर जाके हमें, तो बताता हूं भाई, जो यहां से सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को अनलिमिटेड काम मिलेगा, जितने घंटे आप काम कर सकते हो। तो और आप इस वेबसाइट को जरूर करो, जो स्क्रीनशॉट पर आ रही है, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट पर है ऑस्ट्रेलियन की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पर जाना, उसके बाद ऐसा स्क्रीनशॉट आएगा, ठीक है, और आप गूगल पर डालना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेबसाइट, दूसरे पेज पर ही आएगी,
तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आप वीजास पे क्लिक करोगे, जब वीजास पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट वीजा आएगा। अब यहां पर लिखा है साफ सब क्लास 500 जो कैटेगरीज है स्टूडेंट वीजास स्टे अप टू 5 ईयर इन लाइन ऑफ योर इनरोलमेंट एंड कॉस्ट जो है $650 $650। तो इंडिया के हिसाब से आप देख लो कितने पैसे बने। प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा अप डाउन हो सकता है और यू मस्ट बी 6 ईयर्स और ओल्डर, यू कैन स्टे ड्यूरिंग योर कोर्स फुल टाइम। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा पर भी वहां गए तो भाई आप किसी में भी एडमिशन ले लो, आप इंग्लिश क्लासेस में एडमिशन ले लो, आप टेक्निकल कोर्स में नहीं लेना चाहते हो, आप मैनेजमेंट कोई कोर्स में एडमिशन ले लो, किसी भी चीज में जहां आप पढ़ाई कर सकते हो, आपके पास पूरे राइट्स हैं काम करने के। तो दो तरीके, एक तो स्पॉन्सरशिप जो मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में जितनी भी वेबसाइट्स आई हैं बता दी हैं मैंने, और दूसरा स्टूडेंट वीजा आप अप्लाई करके आप क्लीनिंग जॉब। भाई देखो शर्माना नहीं है, पैसा कमाओ। और जिंदगी में मैंने देखा है दुनिया में जितने भी अमीर आदमी है वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जितने भी बॉसेस हैं जिनके पास भी बहुत सारा अनगिनत पैसा पड़ा है वो सब अनपढ़ आदमी थे, उन्होंने ही पैसा बनाया है। कुछ आदमी हैं जो पढ़े लिखे लेकिन उनकी जो माइनॉरिटीज में है, जो बहुत पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा जो होता है वो जॉब के ऊपर फोकस करते हैं, और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है वो थोड़ा बहुत काम करके उस पैसे को इतना बना लेता है कि पूरी जिंदगी। आप कितने भी बिजनेसमैन देख लेना भाई वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, और जितने भी पढ़े लिखे खूब ज्यादा है वो उन बिजनेसमैन के अंडर काम करते हैं, ये फैक्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो भाई आपके दो तरीके मैंने बता दें, स्टूडेंट पास पर $650 फीस है, अगर आप कुछ इंग्लिश वगैरह इंस्टीट्यूट में वहां पर कोई एडमिशन ले लेते हैं तो आपका 10-12 हजार या $15,000 का डॉलर्स। आप सिंगापुर से पाथवे वहां पर जाके तो IELTS करना पड़ेगा आपको, कोई और आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे। आप वहां जाओ आराम से काम करो जितना काम कर सकते हो, अगर दिन के 12 घंटे अगर आपने काम कर लिया तो आप 5 साल में इतना कमा लोगे 4-5 करोड़ रुपए आपके पास कहीं नहीं गया। तो यही बताना था भाई, जितनी भी वेबसाइट्स मैंने बताई थी स्क्रीनशॉट पर आ गई हैं, हो सकेगा तो आप स्क्रीनशॉट रोककर उसको गूगल पर टाइप करके अपना रिज्यूम अपलोड करना, रिज्यूम जरूर बना लेना भाई, क्योंकि रिज्यूम एक अच्छा रिज्यूम अपना रिफ्लेक्ट करता है, नहीं तो दूसरा स्टूडेंट पास अप्लाई कर लेना और आराम से आपको वीजा मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है टेक्निकल कोर्स के लिए आप वहां जाओ, क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड काम मिल सकता है, जो मैंने वेबसाइट सिंगापुर जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर होम अफेयर्स में आप देख लेना सब लिखा हुआ है कि भाई स्टूडेंट्स को फुल्ली अनलिमिटेड वर्क आवर्स के राइट्स हैं, तो खूब पैसा कमा सकते हो। आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।